उधर पड़े हैं, मैं अभी उठाती हूँ उधर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ मैं सब बहने और भाई खैर से होंगे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी थोड़ी देर पहले जो है काफ़ी सारी आंधी आई थी, देखिए अभी अभी हल्के हल्के बादल बने हुए हैं, तो इधर भी काफ़ी देखिए मट्टी हो गया खाना को। मैंने कहा इधर झाड़ लगा लें क्योंकि अब्बा जो है अभी मुझे बाहर सोते हैं और पंखा लगा के सोते हैं। अब्बा अबू अबू अस्सलाम वालेकुम प्यारे बास, तो कैसे हैं आप सब? तो अभी ना फुली आंधी आई थी लेकिन बादल भी फुल बने थे, लगता था कि अभी बारिश आती है, लेकिन ना बादल ही हट गए और आंधी भी रुक गई है, तो थोड़े थोड़े अभी बादल आए हुए हैं। तो माशाल्लाह मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है। देखें तो अभी जा रहे थे सुहाना और मैं जो है गाय और बछड़े के लिए घास बनाने, हाँ। तो मियाँ गए हुए हैं सौदे लेने, तो आज सबको ने कहा है कि हमें जो है सालन रोटी नहीं खानी, आज हमें खाना है क्योंकि बिरयानी और चावल तो हम बनाते ही रहते हैं और सालन रोटी भी बनाते रहते हैं, कभी हमने मीठा नहीं बनाया क्योंकि घर में कोई मीठा खाता ही नहीं है। तो आज सबकी फरमाइश खाने का, तो अम्मी गई है दूध लेने और मियाँ गए हैं सौदे लेने, वो आ जाएंगे तो फिर घास बना के आते हैं। घर का छोटा मोटा काम भी करना है, अभी चारपाई निकालनी है, तो अभी जा रहे हैं घास बनाने। मैंने कहा भाभी को जो है मौसम भी अच्छा है, थोड़ी एंजॉय भी कर लेंगे, हवा भी लगवा लेंगे और घास भी बना लेंगे। चले लेके आ जाए, हवा ठंडी ठंडी चल रही है ना, इसलिए का घास बनाने जा रहे हैं, तो मौसम अच्छा है, थोड़ा इंजॉय भी हो जाएगा और घास घास बना लेंगे। तो वापसी पे आके ना इधर झाड़ू लगाएंगे, मिट्टी बहुत ज्यादा हो गया है, देखिए इतनी तेज आंधी थी ना, बस अभी रुक गई है, लगता है बारिश आने का भी इनका है। ये हमसायों की अभी ईंटें पड़ी हुई है, हमने से कहा भी उठा रहे, वो कह रहे हैं कि अभी उठाएं, जब काम करेंगे ना तब उठा लेंगे, बस इधर ही पड़ी हुई है। चले साना जी आ जाए। माशाल्लाह से अभी देखना हमारा घास जो कितना बड़ा हो गया है, अभी पानी कल लगाया था तो पीछे वाला भी अभी हो रहा है, देखिए कुछ दिन तक ये भी तैयार हो जाएगा। तो हमारे बच्चे के लिए और गाय के लिए जो है इस 6 महीने अभी काफ़ी है हमारा घास, जब तक और फसल नहीं आती ना। दातरी जो है ना वो इसके ना वो इसे ना वो नीव करानी है ना, मैं काटती हूँ आप मुझे दे दे। चलो ये तो वो वाले पत्ते तोड़ ले हम, अभी पानी लगा हुआ है ना जमीन से नीचे जो है ऊपर से काटते हैं फिर नीचे से निकल आती है। जब उस टाइम बकरी थी तो घास नहीं था, अभी घास है तो बकरी है, तो हादी बेटे के लिए सुहाना लेंगे, जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा ना छोटी सी लेंगे हादी बेटे के लिए, क्योंकि वो जब आता है ना इधर वो उसको साथ लेके आया करेगा, छोटी सी में मिलेंगे बस।
याद ही बड़ी मिल रही है। जो है इसकी हमने लकड़ियाँ बनानी है क्योंकि हमारी लकड़ियाँ तो है नहीं, तो इसीलिए हमने कहा ऊपर ऊपर से ना काट लें तो घास भी बन जाएगा और लकड़ियाँ भी बन जाएंगी। से अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। चले जी, सबसे पहले जो है मैंने सवैयों को जो अभी निकाल के इधर रख दिया। मैंने कहा अभी सवैया पहले डाल दूँ फिर भी डाल दूंगी। घी डाल के फिर दूध डालेंगी। दूध को तो अलहदा बनाएंगे ना सोना, इसको ना मैं भून के रख दूंगी फिर दूध डाल के ना और दूजा भी जल दूंगी। अभी मैंने इसमें घी डाल देना है। मैंने घी डाल दिया है, इसको ना हल्का सा जो है भून के ब्राउन करके फिर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैंने रख देना है। फिर दूध को अलहदा सा उबाल के इलायची वगैरह डाल के ना फिर इसमें मिक्स कर देना है चीनी वगैरह डाल के। तो आज बहुत ही ज़्यादा सबका दिल कर रहा था मीठा खाने का, अभी गर्म हो गया चमचा। मैंने कहा सुहाना रुमाल ले आओ, दूसरे वाला तो चपड़ा तो है, मैंने कभी इसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो निकाल आ लिया है ना, वो कल निकाल लेंगे तो ना वो चमचा जिसकी डनी है ना पकड़ने वाली, ये तो भी गर्म हो जाता है ना। देखा मैंने देखा तो है, अभी तक तो नहीं नजर आ रही अभी तो वो ना जाती है ना तो हम साइयों के साथ बातें करने लग जाती हैं तो टाइम जाया हो जाता है। नहीं वो अभी दूध को भी काफी देर होती है ना जी, वो दूध भी टाइम से नहीं निकाल लेते हैं, जब होती है ना तब दूध अपनी भैंस का निकालते हैं ना फिर टाइम लेते हैं। मैंने कहा सारा काम इधर से खत्म कर लूंगी, नहीं दूध अभी लेके आ जाएगी ना फिर दूध को अलग बना के ना इसमें डाल दूंगी। वैसे आज किचन में बैठे हैं तो पता भी नहीं चल रहा गर्मी का, माशाल्लाह से इतना ठंडा मौसम है माशाल्लाह। अल्लाह पाक अभी ये गर्मी तो ख़त्म होने वाली है, पर से सर्दियाँ भी शुरू होने वाली हैं। अभी फिर भी कभी कभी जो है मौसम अच्छा हो जाए तो होता है तो पता चल लगता है जैसे सर्दियाँ आ गई है। वाली बनानी होती ना तो इसे जो है से अच्छे से ना वो भून के ना फिर थोड़ा सा पानी डाल के फिर चीनी डाल देती है ना, इलायची वगैरह डाल के ना वही बना देती। मम्मी भी आ गई हैं अभी पूरे अपने टाइम पे। हाँ मम्मी अभी जब हम जा रहे थे ना घास बनाने तो उसी टाइम मम्मी को कहा था कि आप दूध ले आए, हम जब अपना काम खत्म कर लें फिर सवैया बना दे। चलो दे दो हमें, चलो रख केवल भाई दे लिए साठ केवल करेंगे इलाचा डाल के ना दूध को पहले उबाल लिया था तो अभी बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं डाल देती हूँ बस। सुहाना बस ऐसा ऐसा डालेंगे ना फिर इसमें मिक्स हो जाएगा जी। माशाल्लाह आज तो बड़ी लजीज लग रही है ना,
जी देखने में इतनी प्यारी लग रही है तो खाने में कितनी कितने दिनों के बाद आज मीठा बनाया ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है और दिल भी कर रहा है साथ में जी। और ऊपर से मौसम भी बहुत प्यारा है तो मीठे के साथ ना मौसम का भी वो रल गया ना सारा कुछ मिक्स हो गया। साना बताना ज्यादा दूध डालूं या बस ऐसे ही थोड़ा सा डालूं बस? ये आप ना वो जितना आपको पता है ना उतना डाल दें बस। मैं तो कहती हूँ काफी सारा डालूं, काफी सारा इतना दूध तो ये बन गई है ना अभी। हाँ मसाला बस इन्हें थोड़े से आप काट लें, अभी तैयार हो गया है बस थोड़ी देर के बाद चले बस कर दे। मैं कहती हूँ दूध जी बस चेक किया सोना सही है मीठा बना लिया जी। भाभी मैंने अभी ना चीनी डाल दिया। और आपने चीनी क्यों डाली है सोना? आपने पहले चेक किया था? नहीं मैंने कहा आपने नहीं डाली तो मैं डाल देती। नहीं मैं भी डाल के गई हूँ, आपको पता है ना आप मेरे साथ ही बैठी थी, मैंने चीनी भी डाली थी पहले जो आपको पता है ना बना के गई थी। फिर आपने इतनी बड़ी हो गई आपको अकल नहीं है कितने दिन हो गए मेरे साथ काम करते, उठ जाओ। नहीं भाभी मैंने चेक नहीं किया था, मैंने कहा शायद आपने जो है डालनी नहीं है तो इसीलिए मैं। अभी देखना ये खराब हो गई होगी सारी भी, कौन खाएगा मीठा ज्यादा ना वो जहर बन जाता है ना इसी दूध में। अभी आप इतना मीठा तो नहीं है, चेक करते हैं देखना वो मुगरी दे दे। इतना मीठा चेक करो देखो ये कौन खाएगा अभी देखना। आप पहले चेक कर लेती ना सोना, अब कौन खाएगा वो तो आप कहेंगे कि नहीं आपने खराब कर दिया है। मैं क्या कहूँ क्या चीनी को मैंने कहा शायद आपने चीनी नहीं डाली तो मैंने वो डाल दी, मुझे क्या पता। चले अभी ये खराब